5 दिसंबर को हुई बैठक के दौरान भी सरकार का खाना नहीं खाया। उनकी थाली स्वाभिमान की थाली है। अब आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन की थाली। अगर हमें जब सरकार से टकराना है तो हम भी पावरफुल भोजन खा के लड़ेंगे उससे। हम तो अपना खेतों से उगा कर यहाँ अपने आप भी खा रहे हैं और जनता को भी खवा रहे हैं। पेट भरने वाले की पेट में लात भी मारी जावे है तो साढ़े लोना पड़ रहा है, मजबूरी हुई है उसकी। अब सरकार अड़ियल है तो किसान और ज्यादा अड़ियल है। किसान आंदोलन की थाली, रोटी दाल सब्जी और चटनी से सजी ये थाली उन 40 किसान नेताओं की है जो दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार से 5वें दौर की वार्ता में शामिल हुए। सरकार का खाना खाने से मना करने वाले इन स्वाभिमानी किसानों ने आज भी अपना खाना खाया। खैर, हम आज आपको किसान नेताओं की थाली ही नहीं बल्कि दिल्ली बॉर्डर पर 10 दिन से जुटे हजारों किसानों की थाली भी दिखाना चाहते हैं। ताकि आप समझ सकें कि दूर दराज इलाकों से आए हजारों किसान 10 दिन बाद भी कैसे पूरी ऊर्जा के साथ आंदोलन में जुटे हैं। इन किसानों का नाश्ता क्या होता है, लंच और डिनर में ये अन्नदाता क्या खाते हैं, किसानों की सुबह से रात तक की पूरी दिनचर्या, पूरा मेन्यू देखने जा रहे हैं आप। गाजीपुर बॉर्डर, सुबह 7 बजे नाश्ते का समय। सूर्य उदय होने के साथ ही किसान अपने आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं और सुबह सुबह ताकत और स्फूर्ति के लिए बाकायदा नाश्ते की तैयारी की जा रही है। और नाश्ते में और कुछ नहीं, सिर्फ चने हैं जो कि खुद इनके खेतों में उगाए गए हैं, साथ में दूध है जिसे पीकर अब ये पूरे दिन सड़कों पर बैठकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। देखिए, मैं किसान हूँ, जो अपनी खेती में खेतों में पैदा करते हैं वही घर पे खाते हैं और वही यहाँ लेके आए हैं। हमें कहीं पैसा है नहीं, किसान यूं ही भूखो मर रहा है। आमदनी दोगुनी होनी थी, दोगुनी हुई नहीं, तो कैसे करके काम चला रहा था। अपने खेत का चना और दूध, किसानों की इस टोली के लिए आज नाश्ते का मेन्यू यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी सभी किसान सुबह में यही नाश्ता करेंगे। किसानों की अलग अलग टोलियां हैं और नाश्ते में अलग अलग मेन्यू भी है। अब इन्हें देखिए, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रुके किसान हैं। इनका नाश्ता है चाय बिस्किट और केला। क्या हो रहा है नाश्ते में आज? जी आप देख लीजिए, चाय है और केले हैं, बिस्किट हैं। किसान तो सब चीज उगाता है, खाद्यान्न पूरे देश का पेट भरता है, पर अब बैठा है सड़कों पे। सरकारों की नाकामी देखिए इनकी, क्या हमारे साथ हो रहा है। किसान घर पे तो ऐसा नाश्ता नहीं करते होंगे? घर पे तो इससे बेटर करते हैं मैडम। हम दलिया मारते हैं, खूब बढ़िया दही मारते हैं और गुड़ चना मट्ठा चटनी छाछे मक्के की रोटी नाश्ते में होती है हमारी। कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना, ऐसे खाना मैनेज करना। एक दिन इन सरकार के नुमाइंदे ना, जो एमएलए एमपी बने पड़े मंत्री संतरी, एक रात हमारे साथ रुक जाए, उस दिन पास हो जाएगा हमारा किसान आयोग यार कड़ाके क्षण में। किसानों के आंदोलन में सड़कें, रहने की जगह भी है और किचन भी। गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ नाश्ते में पकौड़े बन रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे ये किचन चल रही है। सुबह का वक्त है और किसानों के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। यहाँ पर बन रहे पकोड़े, जो सब्जियाँ हैं, वो किसी मंडी से खरीदी नहीं है बल्कि किसानों के खेत की है। ये आप देख सकते हैं तरह तरह के पकोड़े यहाँ पे तले जा रहे हैं और जिन्हें थोड़ी देर बाद ही
किसानों को दिया जाएगा? कितने किसानों का यहाँ पे नाश्ता तैयार होगा? कम से कम 2-3 हजार, गिनती नहीं है कोई, गिनती नहीं है बिल्कुल। ये बताइए, ये सारी सब्जी मसाले वगैरह ये खरीद के लाए हैं या आपके अपने? नेचुरल है सब कुछ, किसानों के लाके दिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दोपहर 2 बजे, लंच का समय। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ये रसोई सजी है किसानों की, ये रसोई है आंदोलन की रसोई, जहां पर देशभक्ति गीत भी गूंजते हैं। और भले ही इन किसानों की जो पूरियां हैं वो गोल गोल ना बनती हो, लेकिन इनको इतनी ताकत जरूर देती है कि ये किसी भी सरकार से और प्रशासन से टकरा जाएं। आज की थाली में गोभी, आलू की सब्जी, पूरी, जो कि हमारे किसान भाइयों को बहुत भाती है, और जैसी सामग्री हमारे पास उपलब्ध होती है उसी के अनुसार मेन्यू को तैयार किया जाता है। यहाँ खाने में इस्तेमाल होने वाला जो भी सामान है, तेल से लेकर मसाले तक और सब्जी से लेकर आटे तक, सभी किसानों के अपने खेतों से आए हैं, शुद्ध है, ऑर्गेनिक है। ये शुद्ध और पौष्टिक भोजन इन्हें ऊर्जावान बनाए रखता है। सर, कैसी है किसान की थाली आज, क्या है आज के मेन्यू में? ऐसा ही रहता है, हमारा तो घर हुआ है, ऐसा न्याय जी के मेन्यू में जी है, मूरा प्याज है, सब्जी है और पूरी है। अच्छा, घर पे होते तो क्या खाते? यही खाते हैं, पूरी ना खाए, रोटी खा लेते हैं, तो आर बार होते तो पूरी मार लेते हैं। घर में खाता है वही, यहाँ मिल रहा है, वहाँ भी कच्ची गोभी खा लेते हैं, यहाँ भी कच्ची गोभी खा रहे हैं, वहाँ भी एक सब्जी से रोटी खाते हैं, यहाँ भी एक सब्जी से रोटी मिल रही है, तो ठीक है, काम चल रहा है अपना, यहाँ भी चल रहा है। रात में ठंड में थोड़ा सा खेतों में, हम भी ठंड में रहते हैं, यहाँ भी ठंड में रहते हैं। सरकार ये सोच रही है कि हम लोग ठंड की वजह से या खाना न मिलने की वजह से हम भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर, दोपहर 2 बजे, लंच का समय। गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे पूड़ियां तली जा रही हैं। लंच में यहां एक साथ 3,000 लोगों का खाना बन रहा है। आज खाने में पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी है। कितनी पूड़ियां कितने लोगों के लिए बना रहे होंगे खाना? खाना 3,000 आदमियों का बना रहे हैं। रोज खाना है बनता है इस तरीके, रोज इस तरीके से खाना बनता है। मेन्यू क्या होता है? एक ही तरीके की सब्जी होती है, हर दिन अलग अलग होती है? हर दिन अलग अलग होती है, हर दिन मटर पनीर होता है, आलू गोभी होती है, आलू गोभी, एक दिन दाल होती है, एक दिन कढ़ी बन जाती है, कढ़ी चावल। घर पे होते हैं तो क्या इसके साथ साथ कोई अलग व्यंजन भी होते हैं? हाँ, अलग भी होते, छा होती, दूध होता, घी होता, घी होता, मट्ठा और गुड़ होता, कुछ भी नहीं, खाली पूरी आलू की सब्जी बना के खा रहे। अब क्या करें, अब जितने दिन यहाँ रहेंगे ऐसे ही चलता रहेगा, और सबके लिए फ्री है, सब जो भाई आ रहे हैं सब खाओ, आप भी, पत्रकार महोदय भी, हमारे पुलिसकर्मी भी, सबके लिए छूट है। ये किसानों की दरिया दिली है, सरकार और प्रशासन का खाना ये खाते नहीं, लेकिन अपना खाना दूसरों को खिलाने से हिचकते नहीं, इसलिए तो ये भाई साहब पत्रकारों और पुलिस वालों को भी निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए और हमारे साथ खाइए। अपना, हमें किसको मोल तो लाना है नहीं, हम तो अपना खेतों से उगा कर यहाँ अपने आप भी खा रहे हैं और जनता को भी खवा रहे हैं। भारत का किसान और जवान भूखा भी लड़ सकता है। चॉइस मिले तो क्या खाना पसंद करेंगे? अभी हम तो नमक की रोटी खा रहे हैं गुड़ से, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये हमारी तो नमक की भी कड़वी कर दी इन्होंने, ये तो बालकों को हमारे पढ़ंडी दे, उन्हें हम यहाँ रहेंगे, वे खेत में रहेंगे, तो क्या होगा हमारा? किसान की आय की बात करें तो किसान को सड़क पर ला दे इन्होंने। अरे जब इतना ही तेजी है सरकार हमारी, तो हमारी बात मान ली पहले ही उन्होंने। सिंघू बॉर्डर, रात 9 बजे, डिनर का समय। सबसे ज्यादा किसान सिंघू बॉर्डर पर ही जमा है। यहाँ पर भी किसान अलग अलग टुकड़ियों में खाना बनाते हैं। इनके मेन्यू में है रोटी और सब्जी। इन सभी किसानों की थालियों में एक बात कॉमन है, इनकी थाली पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, अपने खेतों से उपजे अनाज और सब्जियों से बनी है। इस थाली का अलग स्वाद है। रूफी जैदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली बॉर्डर। तो ये किसान है, जब ये पूरे देश का पेट भर सकते हैं तो भूख इनके किसी भी दृढ़ निश्चय को हिला नहीं सकती। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।